गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को कैसे हैं बेटा सभी? यस, इस क्लास के अंदर हमने सोल्ट के बारे में पढ़ा, उसके पीएच के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखे हमने, ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूजफुल कंपाउंड्स हैं जिनका एवरीडे लाइफ के अंदर क्या यूजेज है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सम यूजफुल कंपाउंड, ठीक है, सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ। ध्यान देना, सेकंड अभी आया। हाँ बेटा, सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, उनकी बात करने वाले। कल मैंने आपको बता दिया था कि ये कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनके नाम क्या है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सब हमने उसके अंदर देख लिया था। आज हम उनके बारे में और पढ़ते हैं कि उनका फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक है सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा कंपाउंड्स पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका दूसरा नाम क्या है बताओ, जल्दी बताओ, टाइप करो, तो बताया था मैंने आपको, उसका फॉर्मूला टाइप करो और उसका दूसरा नाम क्या है, जल्दी से टाइप करें। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, खुशी से कहो टाइप कर जल्दी से। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जल्दी से टाइप करें। चैट बॉक्स जल्दी से टाइप करें बेटा। नहीं पता परसों इंसान नहीं पता। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो हमारा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है इसका फॉर्मूला? NaOH, ठीक है। और इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा, ठीक है। और इसको कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे कोई हमने NaCl का तुम्हारे बुक्स के अंदर एक टेबल बना रखी है, डायग्राम दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें हमने NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फ्लो करवाते हैं तब एनोड और कैथोड पे हमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं NaOH। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, कुछ लाइनें हैं इसके बारे में,
when electricity is passed through, when is passed through, passed through an aqueous solution of, an aqueous solution of aqueous solution of sodium chloride. तो सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl, ठीक है? उसके बाद आगे है इसमें it decomposed to form sodium hydroxide. It decomposed to form sodium hydroxide. इसका जब decomposition हो जाता है तो बनता है to form sodium hydroxide. और इसको लिखते हैं NaOH से, ठीक है? ये बोल रहा है कि when electricity pass through an aqueous solution aqueous aqueous solution of sodium chloride, ठीक है? उस sodium chloride के अंदर जब हम electric flow करवाते हैं तो उसका decomposition होता है, और decomposition होने के बाद form होता है sodium hydroxide, ठीक है? उसके बाद देखो आगे है इसमें the process is called chloralkali process. The process is called chloralkali process because of product formed chlor, because of the chlor or chlorine and alkali for sodium hydroxide and alkali for sodium hydroxide. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोर एल्केली प्रोसेस. क्या बोलते हैं इसको? क्लोर एल्केली प्रोसेस. क्लोर का मतलब यहां पे हमें क्लोराइड मिलेगा, और एल्केली का मतलब होता है यहां पे हमें सोडियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम क्लोर एल्केली प्रोसेस. इसमें डायग्राम दे रखा होगा, उसके अंदर एक एनोड है, एक कैथोड है, उसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है, बैटरी लगी हुई है. जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक का फ्लो करवाते हैं तो हमें ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है? उसके बाद ये डायग्राम देख लेना, सभी को बनाना है. इसके अंदर डायग्राम देख लेना, सभी को बनाना है, ठीक है? उसके बाद एक रिएक्शन दे रखी है टू एनएसीएल. और 2NaCl मैंने बताया था कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म के अंदर. 2NaCl प्लस 2H2O, उसके बाद बनता है यहाँ पे 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है? क्लोरीन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है? और दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के. तो यहाँ पे लगा लेना, ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये एक्वस स्टेट के अंदर है, ये गैस स्टेट के अंदर है, और ये भी किस स्टेट में है, गैस स्टेट के अंदर, ठीक है? तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? जब हम NaCl के अंदर वाटर डालते हैं, ठीक है, वाटर से NaCl की रिएक्शन करवाते हैं, और NaCl यहाँ पे एक्वस फेज के अंदर है, वाटर यहाँ पे लिक्विड फेज के अंदर है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन गैस का और हाइड्रोजन गैस का, ठीक है? तो ये रिएक्शंस आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लें, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सभी बुक्स के अंदर डायग्राम निकालो, सभी बुक्स के अंदर,
सभी अपनी बुक्स के अंदर डायग्राम निकालो। दिख रहा है सभी को डायग्राम? चैट क्या है इसमें? डिसेबल्ड चैट तो बेटा चल रहा है, चैट कैसे डिसेबल्ड है ये? एक सेकंड में रुको, बच्चे चैट नहीं कर पा रहे। अरे एक सेकंड बेटा भी रुको, चैट को करवाते हैं चालू। तभी इसके अंदर एक भी स्कूल नहीं आया, चैट डिसेबल्ड है इसमें। अब बेटा कुछ टेक्निकल एरर हो गया इसमें ना। हाँ देखो इसमें तो जब हम NaCl के अंदर H2O गैस H2O इसमें एफ्लो करवाते हैं, ठीक है, H2O से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस में क्लोरीन बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सभी बुक्स के अंदर डायग्राम निकाल लें, ठीक है। इसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है, एक यहाँ पे एक कंटेनर बना हुआ है, इसके अंदर एक कैथोड बना हुआ है, एक एनोड बना हुआ है, ठीक है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके अंदर तीन, एक दो तीन चार, चार रास्ते हैं, ठीक है, चार रास्ते बना रखे हैं इसमें। एक में से निकल रही है क्लोरीन गैस, दिख रही है सभी को क्लोरीन गैस? दिख रही है सभी को? वेरी गुड। क्लोरीन गैस होती है, इसका यूज कहां पे आता है? वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, स्विमिंग पूल्स के अंदर, पीवीसी डिसइंफेक्शन के अंदर, सीएफसी के अंदर और पेस्टिसाइड के अंदर इसका यूज होता है क्लोरीन गैस का, ठीक है। वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, वहां पे CO2 होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में काम आता है? फ्यूल्स के अंदर और उसके बाद फर्टिलाइजर बनाने के अंदर इसका काम आता है। उसके बाद एक दिख रहा है आपको NaOH, NaOH किस में काम कराता है? डिग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स की डिग्रीसिंग करने के अंदर, सोप्स एंड डिटर्जेंट फॉर्मेशन के अंदर, पेपर मेकिंग के अंदर और आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अंदर डायग्राम में देखो, आप सभी अंदर डायग्राम में देखो, इसमें जो क्लोरीन है वो एनोड की तरफ जा रही है, वो जो हाइड्रोक्साइड है वो भी एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, वो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड है इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसके बाद Na पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद H+ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो इधर मूव कर रहे हैं और ये वाले इधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव का मतलब एनोड की तरफ जाएंगे। तो एनोड की तरफ कौन कौन जा रहा है? एक तो क्लोरीन जा रही है, एक हाइड्रोक्साइड जा रहा है, उसके बाद कैथोड, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, तो एक तो जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक जा रहा है हाइड्राइड, ठीक है, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो ध्यान रखना जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, मूवमेंट करेंगे। ये डायग्राम आपको अपने नोटबुक के अंदर बनाना है, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो इसका नाम बोल लीजिए ना, कि ये जो है इसको बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, नीचे लिख लेना, नोन एज कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, एक तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनता है? तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा, ये ध्यान रखना, क्लोर एल्केली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लोर एल्केली प्रोसेस के द्वारा कौन सा कंपाउंड तैयार होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये रिएक्शन आपको याद करनी है,
क्या करनी है आपको, ये रिएक्शन आपको याद करनी है। इसके अंदर क्या क्या बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। उसके बाद देखना कि जो क्लोरीन है और हाइड्रोक्साइड है वो एनोड की तरफ जाएंगे, और जो सोडियम है और जो हाइड्रोजन आयन है वो किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये और उसके अंदर जो डायग्राम है वो आपको याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड्स के, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लें एक बार। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख के दिखाई सभी मेरे को स्क्रीन पे दिखाई, लिख के जल्दी लिख के दिखाएं, अपनी कॉपी में लिख के मेरे को दिखाएं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कल लिखवाया था मैंने आपको। दूसरा कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaO, वेरी गुड। लोकेश का दिखा है वैसे कैसे, और किसी का नहीं दिखा, किसी का भी सिमरन तो पता नहीं कितनी दूर कर रखी है, थोड़ा नजदीक लेके आना इसको। लोकेश का सबसे बड़े दिखा है, हाँ CaOCl2 चेक कर लेना सभी, ठीक है। CaOCl2, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द, ब्लीचिंग पाउडर बेटा, तो यहां पे लिख लेना
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज देखते हैं क्या यूज है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें ये ध्यान रखना कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार होता है कि जब क्लोरीन गैस की एक्शन किससे करवाते हैं हम स्लेक लाइम से, तो स्लेक लाइम पे क्लोरीन गैस का जब एक्शन करवाते हैं तो हमें बनता है कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड, ये इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ पे हमें वाटर निकलता है। ठीक है, उसके बाद इसका यूज लिखना। ब्लीचिंग पाउडर, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज क्या है इसमें लिखना, ब्लीचिंग पाउडर यूज इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है, क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, क्लोथ इंडस्ट्री, वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर काम आता है, वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद एज ए ऑक्सीडाइज एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्रकार से रिएजेंट का काम आता है। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे रिएजेंट की आवश्यकता होती है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री के अंदर, इसका यूज होता है जहाँ पेपर बनता है, क्लोथ जहाँ बनते हैं, कपड़ों की जो टेक्सटाइल मिल होती है वहां पे इसका यूज होता है, और पानी के प्योरिफिकेशन के अंदर इसका यूज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे सेलेक्ट लाइन पे क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस में वाटर। उसके बाद हमने देखा इसके यूज क्या है, हमने देखा इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर, इसका यूज होता है क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर, इसका यूज होता है वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर, इसका यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। अब है हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। तीसरा है हमारा बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे हम ईटिंग सोडा भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ईटिंग सोडा। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज ईटिंग सोडा। ईटिंग सोडा। उसके बाद से केमिकल नेम क्या है, द केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट मोबाइल कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका यूज कहाँ होता है, किचन के अंदर, ठीक है। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन, किचन के अंदर क्या होता है इसका यूज होता है, ठीक है। तो हमने लिखा बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन। उसके बाद इसका फॉर्मेशन है, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम क्लोराइड से एक तो हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, अब हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, NaCl plus H2O, NaCl plus H2O plus CO2 plus उसके बाद है इसमें NH3। जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बनता है NH4Cl प्लस पे बनता है यहाँ पे NaHCO3, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद करनी है। बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या चाहिए, नमक चाहिए, सोडियम क्लोराइड, हमें वाटर चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, हमें अमोनिया चाहिए, उससे बनता है अमोनियम क्लोराइड और हमें मिलता है सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इनका नाम ले देता हूँ मैं, यहाँ पे है ये है सोडियम क्लोराइड, ये है यहाँ पे वाटर, यहाँ पे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये है अमोनिया, और यहाँ पे ये है अमोनियम का क्लोराइड, और यहाँ पे ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सब नाम है, सभी के समझ आ रहा है स्टूडेंट, यस, ठीक है। तो इसमें देखा हमने, इट इज आल्सो यूज्ड इन, इट इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद देखा कि ये कहां पे यूज होता है, किचन के अंदर ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर NaCl, NaCl के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है, हमने देखा कि NaCl plus H2O, ठीक है, और प्लस में हमने देखा इसमें CO2 है, प्लस में NH3 है, उसमें बनता है NH4Cl और प्लस में बनता है NaHCO3, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना, तो ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, किचन के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद और रिएक्शन दे रखी इसके अंदर कि जब हम इसको गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो क्या बाहर निकलता है, तो वहां पे बाहर मतलब बनता है सोडियम का कार्बोनेट बनता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम और रिएक्शन को देखते हैं।
सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। कपिल चौधरी क्या दिखा रहा है कि नहीं आ रहे हो? तो NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे बनता है सोडियम का कार्बोनेट, यहाँ पे वाटर, तो प्लस में हमें क्या निकलता है, प्लस में CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे और गैस के लिए हम क्या लगाते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये जो होता है, ये जो HCO3 होता है इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और जो CO3 होता है उसको कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के साथ में बाइकार्बोनेट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सोडियम के साथ में कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये समझ रहे ना, ये तो है बाइकार्बोनेट और ये है कार्बोनेट। जब ये सोडियम के साथ जुड़ता है तो सोडियम का कार्बोनेट बनता है, और जब ये सोडियम के साथ जुड़ता है तो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो गया, प्लस में वॉटर हो गया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको गर्म करते हैं तो कौन सी, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, टेक केयर।